आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज की खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए पास में बेल आइकॉन दबाइए। थाना पर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पाटी थाना क्षेत्र में 16 मई को पाटी नगर का निवासी दिनेश पिता मांगीलाल, जो कि एक आटा चक्की व्यापारी था, अज्ञात कारणों से आत्महत्या की थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के मार्गदर्शन में उक्त मर्ग थाना प्रभारी संतोष सावले के द्वारा जाँच की गयी। जाँच के दौरान पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। वहीं परिजनों के बयान व चश्मदीद गवाह के साक्ष्य कथनों से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक दिनेश अपने पुराने में कच्चे मकान को तोड़कर नया मकान का निर्माण कार्य करा रहा था। इस दौरान उक्त जमीन के विक्रेता द्वारा उसे प्रताड़ित करने लगे, वहीं पैसे की मांग भी करने लगे, जबकि 35 साल पहले ही इस जमीन को खरीद लिया था, जिसके दस्तावेज भी होने के बावजूद विक्रेता द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण 16 मई को मृतक दिनेश ने नगर की गोई नदी पर बने पुल पर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपियों के नाम जगदीश पिता छतर सिंह जाति बारेला उम्र 30 वर्ष निवासी पाटी, ज्ञान सिंह पिता प्रधान जाति बारेला उम्र 39 वर्ष निवासी पाटी का होना बताया। सर, आप दो आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या है इसका मामला? ये पूरा मामला कस्बा पाटी का है। दिनांक 16/5/2020 को दिनेश राठौर नाम का व्यक्ति पाटी स्थित गोई नदी के पुल से कूद गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया एवं जांच की गई, तो जांच के आधार पर उसके परिवारजन के कथन लिए एवं पूरी जानकारी प्राप्त की, जिसमें परिवारजन द्वारा बताया गया कि दिनेश राठौड़ जिस जगह पर रहता था उस जगह पर 35 साल से उस जमीन का वो उपयोग कर रहा था और वहाँ अपना मकान बनाना चाह रहा था, किंतु पास के गाँव के जगदीश धन सिंह बारेला एवं नान सिंह प्रधान बारेला ये दो व्यक्तियों द्वारा उसे यह कहकर परेशान किया जाता था कि जिस जगह पर तुम मकान बनाना चाहते हो वह जगह हमारे बाप दादाओं की है, इसलिए आपको मकान बनाने नहीं देंगे। जिस चीज़ से वो परेशान हो गया था, वो परेशान होकर उसने बुद्धि खुली ऐसे खुद की आत्महत्या कर ली। इसी मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायालय पेश किया गया।